हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल को, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हमने अच्छे से समझ लिया था। नाउ अब हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जैसा कि हमने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कोहल, तो वही केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अल्कोहल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम उसका शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं बच्चों, देन आफ्टर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय अल्कोहल। अल्कोहल के थ्रू अल्काइल हैलाइड का हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसको हम समझते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इसमें मैंने आपको जैसा पहले भी समझाया था, पहले तो मैंने आपको डीपली बताया था, अभी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट रिव्यू आपको इसका बता देता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ROH की रिएक्शन अगर मैं HCl HX के साथ कराऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RX और H2O बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन अगर मैं PX3 के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पर ये SN2, यहाँ पर SN1 रिएक्शन एज वेल एज आपका SN2 रिएक्शन को भी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बनाएगा बच्चों, RX, और यहाँ पर क्या बनाएगा, H3PO3, ऐसा मैंने आपको बताया था। नाउ जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, कौन सा, PX5। PX5 के साथ भी SN2 रिएक्शन होगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, RX, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, POX3, और साथ में आपका क्या बनेगा यहाँ पर, HX। ठीक है, एक रिएक्शन मैंने आपको सिखाया था SOCl2 के साथ, ठीक है, यहाँ पर आपको SNI मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होगा बच्चों यूज, और यहाँ पर क्या बनेगा, RCl और HCl, और साथ में क्या निकलेगा, SO2 आपका गैस निकलेगा, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है आपका, इसलिए रिएक्शन ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, मैंने ऐसा भी बताया था। और ये आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, डार्जन रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा, डार्जन रिएक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर SOCl2, मतलब यहाँ पर अगर मैं पिरिडीन का यूज करूंगा, किसका करूंगा बच्चों यूज, पिरिडीन का, तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा और सिमिलर रिएक्शन होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर मैंने बोला था SNI के केस में आपका क्या बनेगा बच्चों, SN2 के केस में आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, SN2 के केस में आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा और SNI के केस में आपका कौन सा बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, और इसके केस में आपका कौन सा बनेगा बच्चों, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, ये मैंने कुछ ऐसा बताया था। तो ये आपका एक बार शॉर्ट रिव्यू हो गया केमिकल, ये अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। और आई होप सो कि आपका यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल को समझते बच्चों। अब हम ध्यान से देखो, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, तो मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिखाता हूँ कि किस तरीके से हमको फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालिसिस करना है, तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे। और कुछ बातें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों आपको मगअप भी करना पड़ेगा। तो पहला मैं बताता हूँ, अप टू सी इलेवन मेंबर अल्कोहल्स आर, क्या होता है बच्चों यहाँ पर, लिक्विड इन स्टेट। सारे अल्कोहल आपके क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, लेकिन हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आपके क्या होंगे बच्चों, सॉलिड स्टेट में होंगे। कौन से स्टेट में होंगे बच्चों, ये आपके सॉलिड स्टेट में होंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बी पॉइंट अब हम समझते हैं। देखो, अल्कोहल्स आर टॉक्सिक इन नेचर। अल्कोहल आपका कैसा होता है बच्चों, नेचर में टॉक्सिक होता है, और यहाँ पर टॉक्सिसिटी आपकी मिथाइल अल्कोहल इज मोर टॉक्सिक
मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू इथाइल एल्कोहल। मतलब इथाइल एल्कोहल के कंपैरिजन में आपका मिथाइल एल्कोहल ज्यादा टॉक्सिक होगा बच्चों। ये सब तो आपको बेसिक चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ इसके मेन पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अब हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हमेशा से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर सी पॉइंट अब हम समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखो ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर अल्कोहल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चों यहाँ पर अल्कोहल आपका अल्कोहल्स हैव टेंडेंसी टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अल्कोहल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए टेंडेंसी रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखेगा तो क्या होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। अल्काइल हेलाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अल्कोहल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपके हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड और एल्डिहाइड और कीटोन से भी आपका क्या होता है बच्चों, काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी बनती कैसे उसको समझते थे। देखो बच्चों यहां पर मैं लिखता हूं HOR। अब देखो यहां पर ये HOR, तो ये जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसा कि आप लोग जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दो मॉलिक्यूल के बीच बनेगा बच्चों। कितने मॉलिक्यूल के बीच बनेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच या फिर मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर या फिर इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका इन सारे मॉलिक्यूल से इंक्रीज कर जाता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने ऐसा भी लिखाया था बच्चों आपको, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखवाया था बच्चों। तो इससे हम क्या समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो इसका मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू हम जाएंगे कि देखो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। जैसे अगर मैं इसका क्वेश्चन ले हूं, तो क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे समझेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर CH3OH, ये हमारा CH3CH2OH, ये हमारा CH3CH2CH2OH, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें मॉलिकुलर मास आपका किसका मैक्सिमम होगा। वो मॉलिकुलर मास अगर आपका इसमें इसका मैक्सिमम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका मैक्सिमम होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इसका मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर सेकेंड का, फिर उसके बाद फर्स्ट का, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि ब्रांचिंग वाला भी एक क्वेश्चन अब हम समझ लेते हैं बच्चों। देखते हैं CH3CH2CH2CH2OH, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट CH3CH2OH, ये मेरा सेकंड। थर्ड आपका क्या होगा बच्चों, CH3TriCOH, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आपका क्या है बच्चों, टर्शरी है, ठीक है। ये वाला आपका टर्शरी है, तो कहां पर आपके ब्रांचिंग मैक्सिमम है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग यहां मैक्सिमम है और ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आपका बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट आपका ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं ब्रांचिंग का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ब्रांचिंग जिसमें मैक्सिमम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा बच्चों? थर्ड का, थर्ड के बाद सेकेंड का, सेकेंड के बाद फर्स्ट का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रांचिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड और एल्डिहाइड और कीटोन से इसका ज्यादा होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करने की एबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझते हैं, डी पॉइंट बच्चों, यहाँ पर सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर डी पॉइंट अब हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के केस में क्या होगा बच्चों? सॉल्युबिलिटी, अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? वाटर में कितना आपका यही आपका सॉल्युबल होगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। वाटर में देख सकते हैं, अमोनिया में देख सकते हैं। तो हम सॉल्युबिलिटी कैसे दे रखेंगे? तो यहां पर हम बोल सकते हैं अल्कोहल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। कैसे करेगा बच्चों? HOH डॉट 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 यहाँ पर HOR डॉट 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 यहाँ पर HOH डॉट 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 यहाँ पर HOR। देखो ये आपका अल्कोहल और ये आपका क्या होगा? वाटर। ये इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हुई बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बच्चों। इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जब इन दोनों के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका फॉर्म कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं? लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल, लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल, लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर बट हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल लेस सोल्यूबल इन वाटर, लेस सोल्यूबल इन वाटर। मतलब आपके वाटर में क्या होता है बच्चों? ये आपका लेस सोल्यूबल होता है हायर मेंबर। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है इसको समझते हैं। इसका रीजन काफी इजी रीजन है बच्चों। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एल्कोहल में आपका दो पार्ट होता है। एल्कोहल में आपके कितने पार्ट होंगे बच्चों? यहाँ पर दो पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। देखो ROH ये वाला पार्ट आपका क्या होगा बच्चों? हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा ये वाला। और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा बच्चों ये आपका। यहाँ पर ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। अब देखो जैसे जैसे हायर मेंबर होगा, हायर मेंबर मतलब आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर आपका इंक्रीज होगा, ध्यान से समझना, हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर आपका इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ कार्बन भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। और अगर बेटा जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर जाएगा वैसे ही आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हम डायरेक्टली फाइनली हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? फाइनली हम ये बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन मॉलिकुलर मास। मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा मतलब मॉलिकुलर मास बढ़ेगा। तो मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो आपका मॉलिकुलर मास, वो ब्रांचिंग बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पढ़ लिया कि CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। अब देखो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। अब मुझे आपको बताना है कि इनमें से किसका आपका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा? CH3, CH2, CH2OH, मतलब आपका प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ? यहां पर
सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इजीली हम लिख सकते हैं सोलिबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आपका ज्यादा सोल्यूबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड, सेकेंड के बाद आपका कौन सोल्यूबल हो जाएगा बच्चों, थर्ड। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो बच्चों, CH3, CH2, 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 OH, एक एग्जाम्पल CH3, CH, CH3, CH2, OH, एक एग्जाम्पल CH3 होल थ्राइज COH। देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि बच्चों ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। अब देखो ब्रांचिंग कहाँ मैक्सिमम है बच्चों, लास्ट वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्युबिलिटी ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सोल्युबिलिटी ऑर्डर थर्ड आपका सबसे ज्यादा सोल्युबल होगा, उसके बाद आपका सेकंड, सेकंड के बाद आपका कौन हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा सोल्युबल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक और पॉइंट बोल सकते हैं, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लिया है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका एक और एग्जाम्पल अब हम समझते हैं ध्यान से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया CH2OH, यहाँ पर मैंने लिया CH2OH और यहाँ पर मैंने लिया CH3OH, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूँ सोलिबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और इसके बाद इसमें बनेगा और इसके बाद इसमें बनेगा। जैसे ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसी तरीके से आपका क्या बढ़ जाएगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के लिए मैं क्या बोलूंगा, किसकी सॉल्युबिलिटी आपकी सबसे मैक्सिमम होगी, फर्स्ट की, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ओएच अगर ग्रुप होगा तो वो वैसे ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। नाउ अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना, यहां पर ई, ठीक है, ई पार्ट को, यहां पर ई पॉइंट को अब मैं समझाता हूं आपको। ई पॉइंट ध्यान से समझेंगे बच्चों कि यहां पर ई पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ई पॉइंट के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, देखो एच ओ एच, अगर मैंने इसमें R जोड़ा और माइनस H किया तो आर ओ एच बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका क्या है बच्चों, वाटर, और ये क्या है आपका, एल्कोहल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एल्कोहल इज अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने यहां से H हटाया और मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया बच्चों, R को मैंने ऐड कर दिया, तो मैंने क्या बोल दिया, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। सो वी कैन से दैट, सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल अल्कोहल इज मच सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मतलब अल्कोहल की प्रॉपर्टी आपके वाटर से काफी ज्यादा सिमिलर होती है। मतलब आपके कौन सी प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी आपके वाटर के सिमिलर आपकी हो सकती है। तो अब हम समझते हैं कि क्या क्या ऐसा होगा, ध्यान से। अब देखो, वाटर कैन क्रिस्टलाइजेशन, यहां पर समझते हैं, वाटर कैन कैन फॉर्म फॉर्म क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आपका क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड में वाटर होता है बच्चों। कैसे बच्चों, कैसे, यहां पर आपको पता होगा, यहां पर मैंने आप CuSO4 5H2O, ये भी आपका क्रिस्टलाइन है, FeSO4 7H2O, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आपका अल्कोहल भी क्या फॉर्म करेगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, अल्कोहल कैन आल्सो फॉर्म क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलरली अल्कोहल अल्कोहल कैन फॉर्म क्रिस्टलाइन
क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इसका खास बात मैं आपको बताऊंगा, इसमें अगर मैं गर्म करूंगा तो आपका वो वाटर निकल जाएगा, इसमें गर्म करूंगा तो मैं वो वाटर निकल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। CaCl2 4 C2H5OH इस तरीके से आपका बना लेगा। यहां पर क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां पर हम बोल सकते हैं MgCl2 7 6 H6 C2H5, ये आपका बना लेगा। देखो इस तरीके से आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना दिया। लेकिन इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड की खास बात क्या होगी बच्चों, जो यहाँ पर अल्कोहल होगा वो आपका कौन से फेज में होगा, सॉलिड फेज में होगा। यहाँ पर आपका कौन से फेज में होगा, सॉलिड फेज में। ये भी आपका कौन से फेज में होगा, सॉलिड फेज में। देखो ऊपर है ना, वाटर को मैं अगर गर्म करूंगा तो वाटर को रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, वी कैन नॉट रिमूव अल्कोहल फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड। मतलब मैं इसको एनहाइड्रस स्टेट में नहीं ला सकता। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मींस क्या है बच्चों, मैं इसको एनहाइड्रस स्टेट में नहीं ला सकता, लेकिन ये इस तरीके से आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाएगा विद आयोनिक कंपाउंड के साथ। किसके साथ, विद आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयोनिक मॉलिक्यूल के साथ। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बेटा इसके यहां पर एसिडिक नेचर की ओर, ठीक है। एफ एफ समझते बच्चों, यहां पर एफ में कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, ध्यान से समझना, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखते। आपको पता है कि अगर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर एनालिसिस किया गया कि ROH की रिएक्शन जब मैंने Na मेटल के साथ कराया तो यहाँ पर क्या निकला, RO-Na+, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका रिमूव हुआ। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने ROH की रिएक्शन अगर मैंने Mg मेटल के साथ कराया तो भी क्या होगा, RO-2MgCl2, यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने अगर एल्यूमिनियम मेटल के साथ कराया, ये इसका A रिएक्शन, ये इसका B रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये एसिडिक रिएक्शन को बताता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते नेक्स्ट रिएक्शन की ओर भी। देखो सी रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ROH है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने R-MgX के साथ करा दिया तो यहाँ पर R- कैसा बेसिक कैरेक्टर है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, आपको देखो आपको मैंने ये आपको बताया था इस टाइप का, और यहाँ पर क्या निकलेगा, RH, ठीक है। तो अब हम चलते आगे डी रिएक्शन पे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, ROH की रिएक्शन अगर मैंने RLi के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, R-+, ये आपका बेसिक की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, RO-Li+, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RH। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल किस तरीके से होगा, और ये मैंने तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आपका काफी यूज किया है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, नेक्स्ट इसके पार्ट में। तो एसिडिक कैरेक्टर जनरली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जनरली जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। जनरली देखो ROH और आपका H2O, ROH की Ka की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक लाई करती है, 10^16 to 10^-18 तक लाई करती है, और इसकी वैल्यू -14 तक। अगर मैं pKa निकालना चाहूं तो इसका कितना होगा, 16 to 18, और इसका कितना होगा बच्चों, 14। तो जनरली आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर H2O is more acidic as compared to water, ठीक है। तो आपका H2O आपका ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अब हम समझते हैं ध्यान से, इसमें एक्सेप्शन है कि मेथेनॉल आपका ज्यादा एसिडिक होगा वाटर से, बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा क्या होगा कि आपका, देखो अब हम इसके एसिडिक नेचर के मतलब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है बच्चों। वो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर
कैरेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम अल्कोहल में कंपैरिजन करते हैं, तो देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ये मेरा CH3OH, ये मैंने लिया CH3CH2OH, ये मैंने लिया CH3CH CH3OH, और ये मैंने लिया बच्चों CH3CH3CH3OH। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपैरिजन। अब देखो एसिडिक एसिड क्या होता है बच्चों, जो इजीली अपने में से H+ को डोनेट करे। अब H+ को डोनेट करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब ऑक्सीजन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। और आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इसको मैं ब्लैक मार्कर से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला जो ग्रुप होगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होगा ये आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। यहाँ पर ये वाला क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर ये वाले क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पर ये वाले सारे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया तो क्या वो H+ को अपने में से इजिली निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। ठीक है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि H+ और ऑक्सीजन के O- के बीच यहाँ अट्रैक्शन पावर होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जितना ज्यादा हो जाएगा उतना आपको H+ को निकालना बहुत टफ हो जाएगा, और जितना आपका टफ होगा H+ को निकालना उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। या तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कहाँ इंक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर फोर्थ का, उसके बाद आपका थर्ड का, थर्ड के बाद आपका सेकंड का, सेकंड के बाद आपका फर्स्ट का। या तो आई होप कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। आई होप सो कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कंपैरिजन विद अदर ग्रुप्स। ठीक है, कंपैरिजन विद अदर ग्रुप्स, एक क्वेश्चन हम इसका भी रख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिया ROH, यहाँ पर मैंने लिया H2O, यहाँ पर पहले मैं ले लेता हूँ H2O, यहाँ पर लिया ROH, यहाँ पर CH CH, और यहाँ पर NH3। अगर मैंने इसमें कंपैरिजन किया तो एसिडिक कैरेक्टर आपका किसका मैक्सिमम होगा, H2O का। देखो यहाँ पर मैंने किस तरीके से किया, ध्यान से समझना। H2O का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो O-, इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो RO-। इन दोनों में तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, CH CH-, और यहाँ पर NH-। ठीक है, अब देखो माइनस चार्ज, अब मैंने क्या बोला कॉन्जुगेट बेस की आपको क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, माइनस चार्ज आपका कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इन दोनों के केस में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका कार्बन sp हाइब्रिड है और यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है। जैसा कि आप लोग जानते हो sp हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आपका एसिडिक कैरेक्टर मतलब उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें एसिडिक कैरेक्टर को भी देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम बच्चों एल्कोहल से रिलेटेड कुछ टेस्ट को समझते हैं बच्चों। टेस्ट से रिलेटेड बच्चों आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो आई होप सो कि आप उसको अच्छे से समझोगे। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को समझेंगे एल्कोहल के। तो देखते हैं बच्चों यहां पर देखते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एक एक करके देखो। सबसे पहला ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट बच्चों मैंने एल्काइल हैलाइड में भी आपको समझाया था, तो आई होप सो कि यहाँ पर मुझे आपको समझाने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर मैंने मैकेनिज्म बताया था। तो थोड़ा सा आप अगर वहां पर देखोगे तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म आपका SN2 पाथवे से, और यहाँ पर ZnCl2 का काम क्या है, ZnCl2 का काम केवल और केवल
इंक्रीज द रिएक्टिविटी, इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी ऑफ एच सी एल, एच सी एल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है केवल और केवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा और यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल और यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं जेड एन सी एल टू और एच सी एल के साथ कराऊंगा, इसकी रिएक्शन में जेड एन सी एल टू और एच सी एल के साथ कराऊंगा, इसकी रिएक्शन में अगर जेड एन सी एल टू और एच सी एल के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, इमिडिएटली क्रिएट होगी, इमिडिएटली आपकी क्या क्रिएट हो जाएगी बच्चों, टर्बिडिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको टर्बिडिटी में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगा टर्बिडिटी क्रिएट होने में, और यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर आपकी टर्बिडिटी नहीं आएगी, यहाँ पर काफी लेट आएगी, ठीक है, स्लो रिएक्शन होगा, ये काफी स्लो रिएक्शन होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि बच्चों कि किस तरीके से टर्बिडिटी का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं फॉग, फॉग टाइप का होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, फॉग टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से आपको एल्काइल हैलाइड में बताया था, आई होप सो कि आप वहां से इसके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं यहां पर सेकंड पॉइंट, विक्टर मेयर टेस्ट। और बेटा ये आपके लिए आईआईटी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्टर मेयर टेस्ट। देखो विक्टर मेयर टेस्ट आपका होता क्या है, ध्यान से समझना बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस आपका क्रिएट करेगा विक्टर मेयर टेस्ट। देखो किस तरीके से करेगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल के कंडीशन लेता हूँ, देखो CH3CH2 यहाँ पर मैंने लिया OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन में जो P+I2 मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, Pi3, और यहाँ पर एल्कोहल आएगा, जैसे मैंने आपको PX3 का रिएक्शन बताया था उसी तरीके से होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CH2I बन जाएगा। नाउ रिएक्शन मैंने कैसे करा दी बच्चों, AgNO2 के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH2NO2 बन जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। अब मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ उसको समझना बच्चों, थोड़ा सा आपको रिएक्शन मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसकी मैकेनिज्म आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, HNO2 के साथ। तो HNO2 का ये ऑक्सीजन इस तरफ बनाया मैंने, ये मैंने O और H इस तरफ बनाया, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन लिया। तो सिंपली मैं क्या बना लूंगा बच्चों, देखो CH3C यहाँ पर क्या जाएगा, NO2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रोलिक, नाइट्रोलिक हो जाएगा बच्चों ये आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोलिक। नाउ अगर मैं इसकी रिएक्शन अब NaOH के साथ कराऊंगा, किसके साथ कराऊंगा बच्चों, NaOH के साथ कराऊंगा, तो आपका रेड ब्लड कलर का कंपाउंड बना लेगा, रेड ब्लड कलर का सॉल्यूशन बना लेगा, क्या बना लेगा बच्चों, रेड ब्लड कलर का सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है बच्चों। कब, जब आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा, मतलब आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा, तो आपका रेड ब्लड कलर का सॉल्यूशन आपका क्या कर देगा बच्चों, क्रिएट कर देगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर सेकेंड डिग्री एल्कोहल के केस में क्या होगा, उसको अब हम अच्छे से समझ लेते हैं, सेकेंड डिग्री एल्कोहल के केस में आपका क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर बी सेकेंडरी एल्कोहल, मैंने ऐसे बना दिया CH3CH CH3, यहाँ पर मैंने OH लिया, इसकी रिएक्शन P+I2, आप समझ ही गए होंगे आप कैसे करना है बच्चों, CH3CH CH3, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, इसकी रिएक्शन अगर मैंने AgNO2 के साथ करा दी तो क्या हो गया बच्चों, CH3CH CH3, यहाँ पर NO2 आ जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब रिएक्शन इसकी इस तरीके से नहीं होगी बच्चों, ध्यान से समझेंगे, HONO के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, मतलब HNO2 के साथ, HNO2 के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ पर आपका CH3CNO2 NO2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। नाउ इसकी रिएक्शन में जब NaOH के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्रिएट होगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन आपका क्रिएट होगा, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। लेकिन ये आपका किसके लिए था बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल के लिए, सेकेंडरी एल्कोहल के लिए था। नाउ अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर
CH3, CH3, CH3 और यहाँ पर OH, ये मेरा है बच्चों कि किसके लिए, टर्शरी अल्कोहल के लिए। अब देखो टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन में किसके साथ करा दो बच्चों, इसकी रिएक्शन P+I2 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर I। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन में अगर AgNO2 के साथ करा दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3, CH3, CH3 और यहाँ पर NO2। अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों। हाइड्रोजन जब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन आपकी आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, तो यहाँ पर नो रिएक्शन। तो ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूंगा तो आपका ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन आएगा, अगर मैं बी बी की बात करूंगा तो आपका क्या बनाएगा, ब्लू कलर का कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर सी मतलब टर्शरी अल्कोहल की, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर तीनों तीनों अल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ बच्चों। नाउ अब हम समझते हैं यहाँ पर डाइक्रोमेट टेस्ट, एक और टेस्ट डाइक्रोमेट टेस्ट, इसके बारे में बच्चों आई होप कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बस आपको हिंट देना है बच्चों, ध्यान से समझेंगे आप लोग। डाइक्रोमेट टेस्ट आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा डाइक्रोमेट टेस्ट। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर K2Cr2O7 और H2SO4, ठीक है H2SO4 हीट नहीं लिया है बच्चों, हीट नहीं लिया है, डाइल्यूट कंडीशन में ये आपका वीक की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक की तरह। तो इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं वीक की तरह नहीं, यहाँ पर मैं सिंपल बात कर लेता हूँ, सिंपल भी आपका हो जाएगा। K2Cr2O7 आपका ओरिजिनली कौन से कलर का होता है बच्चों, ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। नाउ जब ये अपने आप को रिड्यूस करेगा तो ये आपको किस में आ जाएगा, Cr2SO4 होल थ्राइज में, और ये अपने आप को क्या बोलेगा, यहाँ पर कौन सा कलर का हो जाएगा बच्चों, ग्रीन कलर का, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। देखो ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब खुद अपना कलर को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो देखते हैं बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2OH, यहाँ पर मैं एल्डिहाइड ही बना रहा हूँ बच्चों। तो आप वीक हो या रिड्यू वो वीक हो या स्ट्रांग हो, देखो वीक के केस में यहाँ H2O आएगा, अगर स्ट्रांग होगा तो वहां पर ही आपका हीट आएगा, क्या आएगा बच्चों, हीट आएगा, ध्यान से समझ लेना बस इतना सा। कल मैंने लिखवाया था वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने हीट का यूज किया था, यहाँ पर आपका किसका करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर आप वाटर का यूज करोगे तो ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर CH3 CHO मैंने बना दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑरेंज कलर का होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका कौन से कलर का होगा, ऑरेंज सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन होगा, ग्रीन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये तो मैंने प्राइमरी के लिए बात कर लिया, अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बात करूँ, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बात करूं तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में CH3 CH CH3 OH, ठीक है, अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया, ऑक्सीडेशन कराया, तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होगा, ऑरेंज सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगर मैं थर्ड में बात करूं टर्शरी एल्कोहल, तो देखो यहाँ पर सी पॉइंट टर्शरी एल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन नॉट रिड्यूस, ठीक है, अगर ये रिड्यूस नहीं हो, सॉरी इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज, ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो चेंज इन कलर भी आपका शो नहीं होगा, मतलब सॉल्यूशन जो यहाँ पर मैंने ये वाला अल्कोहल लिया, ठीक है ये वाला मैंने अल्कोहल लिया, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर मैंने K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराया, ये आपका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ऑरेंज कलर सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी, तो सॉल्यूशन का कलर ओरिजिनली ही ऑरेंज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फोर्थ टेस्ट ले लेते हैं बच्चों, डी डी टेस्ट,
अमोनिकल सैरिक नाइट्रेट, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार अगर समझ लेंगे तो हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो अब हम डी टेस्ट को पढ़ते हैं बच्चों, अमोनिकल अमोनिकल सैरिक नाइट्रेट। देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अमोनिकल सैरिक नाइट्रेट, अगर मैंने आरओएच की रिएक्शन, देखो NH4 मतलब NH4 होल ट्वाइस, मतलब अमोनिकल सैरिक का मतलब सीरियम, ठीक है। नाइट्रेट का मतलब NO2 NO3 6, ठीक है। ये हो जाएगा अमोनिकल सैरिक नाइट्रेट, मतलब यहाँ पर +4 है, देखो ये +2, इसका +1 वैलेंसी होता है, टोटल कितना हो जाएगा +2, यहाँ पर आपका कितना होगा -6, रिमेनिंग क्या होगा सी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बच्चों +4 है, कितना है +4। जब इसकी रिएक्शन में कराता तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आर ओ एच ट्वाइस सी एन ओ थ्री, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका NH4 NO3, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन से कलर का होगा, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, रेड कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका फॉर्म होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस तरीके से हम यहाँ पर एल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं बच्चों। आई होप सो कि आपको जितने भी टेस्ट होंगे वो आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट और कुछ टेस्ट आपको याद भी होने पड़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम अगले लेक्चर में ईथर और एपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। और ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर और एल्काइल हैलाइड का कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहना, ताकि आपको आगे के कंसेप्ट इजीली समझ में आते रहे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।